नमस्कार दोस्तों, वेलकम आवर चैनल क्रिक 11 हब पे आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो पे बात करेंगे एशिया कप की सुपर फोर का पहला मैच पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम गदाफी लाहौर पर 6 सितंबर इंडियन टाइम के मुताबिक दोपहर 3 बजे होने वाला है। वीडियो पे हम लोग पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मैच की प्रीव्यू करते हुए पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड रिकॉर्ड, जीएल टिप्स, प्रोबेबल प्लेइंग 11 और ड्रीम 11 टीम के बारे में बात करेंगे। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले, आप अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है तो जल्दी से जाके टेलीग्राम पे सर्च करिए क्रिक 11 हब ऑफिशियल, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल दिखाई देगा, उस पर जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो पिच एकदम सपाट है, बैट्समैन के मुफीद पिच है, पिच पर 300 से ऊपर रन बनने का उम्मीद भी है। बॉलर की बात की जाए तो बैट्समैन अगर गलती करेगा तो बॉलर को विकेट मिलेगा और अच्छा बॉलर अपना स्किल से विकेट निकाल सकता है, इतना ही उनको मदद है, ज़्यादा मदद बॉलर के लिए नहीं है। लास्ट मैच की बात करें जो मैच हुआ इसी ग्राउंड पर, जो प्लेयर आउट हुआ है उनमें प्लेयर बॉलिंग से ज़्यादा मारने के चक्कर में आउट हुआ है। वेदर रिपोर्ट की बात की जाए तो बारिश होने का चांस नहीं है, मैच जो है पूरा होने वाला है। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात की जाए तो दोनों टीमों के बीच में 37 मैच हुआ है, उनमें पाकिस्तान 32 और बांग्लादेश 5 मैच जीता है, तो सीधा सीधा ही दिखाई दे रहा है कि बड़ा भाई छोटे भाई के ऊपर भारी पड़ा है, ये स्वाभाविक है। लेकिन ये मैच बहुत ही रोमांचकर होने वाला है, तो देखना है कौन सा भाई जीतता है। हमारे हिसाब से पाकिस्तान फेवरेट है, आपके हिसाब से किसको जीतना चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए अभी प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान की प्रोबेबल प्लेइंग 11 देख लेते हैं। तो ओपनिंग में फ़खर जमान, उसके साथ इमामुल हक। तो फ़खर जमान की बात करें तो हार्ड हिटर बैट्समैन है, मतलब जब तक बैटिंग करेगा हिट करते हुए जाएगा। और इमामुल हक की बात करें तो ये टेक्निकल बैटर है, अपना इनिंग्स बिल्ड करना जानता है, पहले 2 मैच में कुछ अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं है। उसके बाद बात करें बाबर आजम की, पाकिस्तान कैप्टन, दुनिया की टॉप बैट्समैनों में से एक है, तो टेक्निकल बैटर है, अपना इनिंग्स बिल्ड करना जानता है। फर्स्ट मैच में नेपाल के विरुद्ध 150 के ऊपर स्कोर बनाया था, तो ये एक बैटिंग विकेट भी है, तो उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगा। उसके बाद टू डाउन पे मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान विकेट कीपर बैट्समैन, तो बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, ये भी टैलेंटेड बैट्समैन है, अपना खेल को अच्छी तरह से जानता है, लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया था। उसके बाद इफ्तिकार अहमद, बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, अगर टीम अगर पहले टॉप ऑर्डर अगर अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया तो ये नीचे भी डिमोट हो सकता है, तो इस कारण से आप इनको चाहे तो स्मॉल की टीम पर छोड़ सकता है, लेकिन जेल में आपके लिए अच्छा पिक होगा। उसके बाद सैदाब खान, पाकिस्तान ऑलराउंडर, बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर है, बैटिंग से अच्छा खासा परफॉर्मेंस करता है और बॉलिंग में पूरा 10 ओवर बॉलिंग करता है, तो आपके लिए एक अच्छा पिक होगा। उसके बाद बात करें फाहिम अशरफ की, तो पाकिस्तान अपना प्लेइंग 11 अनाउंस कर दिया है, तो उसमें मोहम्मद नवाज़ को ड्रॉप करके फाहिम अशरफ को मौका दिया गया है, तो फाहिम अशरफ भी अच्छा बॉलर है, लेकिन यहाँ पे नईम शाह, साइंस अफरीदी और हरीश राव तीनों अच्छा खासा स्पेसर है, तो डेथ ओवर में तो वही तीनों बॉलिंग करते हुए दिखेगा। फाहिम अशरफ को आप जेल में जरूर ट्राई करिएगा, लेकिन स्मॉल की टीम में इनको छोड़ सकता है, और मौका मिलने पर ये अच्छा बैटिंग भी करता है। उसके बाद सलाम अली, ये भी मीडियम टच का प्लेयर है, कुछ अच्छा परफॉर्मेंस तो फिलहाल के दिनों में इंटरनेशनल नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान को मौका दे रहा है, पता नहीं कुछ सोच के इनको मौका दिया होगा, अब आसानी से इनको छोड़ सकता है। उसके बाद बात करें पाकिस्तान पेस अटैक की, तो नसीम शाह, साइंस अफरीदी और हरीश राव तीनों पाकिस्तान की हार्ड लेंथ डालने वाला बॉलर है, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करता है, अपने प्रदर्शन से किसी भी बैटिंग लाइनअप को ये तहस-नहस कर सकता है। तो अगर मान लीजिए पाकिस्तान पहले बॉलिंग कर रहा है तो इन तीनों को रोटेशन में कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर बनाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। उसके बाद बांग्लादेश की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें तो बांग्लादेश नया ओपनिंग जोड़ी उतारा है लास्ट मैच से, तो मोहम्मद नईम और मेहदी हसन मिराज को लास्ट मैच में ओपनिंग करते हुए देखा था हम लोग, उम्मीद करता है कि इस मैच में भी सेम ओपनिंग जोड़ी के साथ जाए, क्योंकि मेहदी हसन मिराज बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया है लास्ट मैच में, भले रिटायर्ड हो गया था लेकिन इस मैच में उनको खेलना चाहिए। तो मोहम्मद नईम के साथ मेहदी हसन मिराज को हम लोग ओपनिंग करते हुए देखेगा, मोहम्मद नईम टेक्निकल बैटर है,
आप चाहे तो इनको स्मॉल लीग की टीम पे रख सकता है, लेकिन हम लोग बोलेंगे कि जीएल में एकादा टीम में कैप्टन भी बनाइएगा क्योंकि ओपनिंग करते हुए आएगा। उसके बाद मेहंदी हसन मिराज की बात करें तो बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, जब खास करके ओपनिंग करते हुए आएगा। हम पिछले वीडियो में भी बोला था इनको बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला है, अगर इनको मौका दिया गया है बांग्लादेश की तरफ से तो ये परफॉर्मेंस करके दिया है, तो उम्मीद करते हैं इस मैच में भी वो परफॉर्मेंस करेगा, तो आपके लिए मस्ट हैव पिक है टीमों में। उसके बाद लिटन दास की बात की जाए तो लिटन दास को सीधा सीधा टीमों में मौका मिलेगा क्योंकि शांत तो हैमस्ट्रिंग चोट की वजह से रूल आउट हो गया टूर्नामेंट से। तो लिटन दास की बात करें तो टेक्निकल बैटर है, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करता है, अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया हुआ है सबको, लेकिन रिसेंट जो परफॉर्मेंस है कुछ खास नहीं है। चाहे तो जीएल स्मॉल लीग में ट्राई कर सकता है, नहीं तो जीएल में अब जरूर ट्राई करिएगा। उसके बाद हृदय, ये भी टैलेंटेड प्लेयर, इनको हर बार शुरुआत मिल जाता है लेकिन 12 स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। अच्छा ऑप्शन है लेकिन टीम अगर उसको नीचे बैटिंग करने भेज दे तो तब ये रिस्की ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद साकिब अल हसन, बांग्लादेश कैप्टन, दुनिया की बेस्ट ऑलराउंडर की लिस्ट में आता है तो इसके बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको। बॉलिंग में पूरा ओवर और बैटिंग में ऊपर बैटिंग करने आएगा तो मस्ट हैव पिक, सेफ कैप्टनशिप के भी ऑप्शन। उसके बाद मुस्तफिकुर रहीम, बांग्लादेश विकेटकीपर बैट्समैन और बांग्लादेश की सबसे सीनियर प्लेयर, अच्छा खासा स्कोरिंग करने का मादा रखता है तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। उसके बाद स्वयं हुसैन की बात करें तो डोमेस्टिक में अच्छा खासा परफॉर्मेंस है लेकिन इंटरनेशनल में बहुत ज़्यादा कुछ परफॉर्मेंस नहीं है, आप आराम से इनको छोड़ सकता है। उसके बाद आफिफ हुसैन की बात करें तो ये अच्छा प्लेयर है लेकिन इनको भी मेहदी हसन की तरह बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलता है, तो मेहदी हसन को अगले मैच में तो मौका मिला था, पता नहीं आफिफ हुसैन को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन इनको अगर मौका मिलेगा तो ये भी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करेगा। लेकिन आप फिलहाल के लिए इनको स्मॉल लीग पे छोड़ दीजिएगा, जीएल में एक आधा टीम में ऐसे ही टीम में रख सकता है। तस्किन अहमद शरीफुल इस्लाम, बांग्लादेश की पेस अटैक है, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग लाइनअप है, ये तीनों विकेट टेकिंग नेचर के बॉलर है, तो अगर बांग्लादेश पहले बॉलिंग कर रहा है तो जीएल में रोटेशन में जरूर इन तीनों को कैप्टन बनाइएगा। हसन महमूद की बात करें तो पिछली मैच में मुस्तफिजुर रहमान की जगह इनको टीम में मौका दिया गया है, ये बहुत ही बढ़िया बॉलर है, पहले भी हम लोग इनके बारे में बोला हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया बॉलर है, विकेट टेकिंग नेचर की गेंदबाज है और इकोनॉमिकल भी रहता है, तो शुरुआती ओवर में बॉलिंग करते हुए आएगा तो बहुत ही बढ़िया पिक है आपके लिए, आप इनको टीम में जरूर पिक करिएगा, स्मॉल लीग के भी अच्छे ऑप्शन होगा। चलिए दोस्तों ड्रीम इलेवन प्लेयर वाइज एनालाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे विकेट कीपर सेक्शन की पहले बात करें तो मुस्तफिर रहीम, मोहम्मद रिजवान दो अच्छे ऑप्शन हैं, हम इन दोनों को पिक करेगा। ऊपर से आपके पास लिटन दास को भी आप लोग चाहे तो पिक कर सकता है, लिटन दास इस मैच से अवेलेबल होगा टीम पे। उसके बाद बैटिंग सेक्शन की बात करें, बाबर आजम मस्ट हैव पिक। उसके बाद इमामुल हक टेक्निकल बैटर है और अच्छा खासा परफॉर्मेंस करता है तो इनको हम लोग पिक करें। उसके बाद आप चाहे तो फ़कर जमान और हिदायत को भी पिक कर सकता है और नईम शेख भी एक अच्छा ऑप्शन होगा, हम लोग फिलहाल के लिए इन लोगों को छोड़ रहे हैं। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो साकिब अल हसन मस्ट हैव पिक, साहेब खान मस्ट हैव पिक और मेहदी हसन मिराज ओपनिंग करते हुए आएगा तो मस्ट हैव पिक, इन तीनों को हम लोग ऑलराउंडर सेक्शन से पिक कर रहे हैं। उसके बाद शाहिनशाह अफरीदी, बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो शाहिनशाह अफरीदी को हम लोग पिक करेगा और तस्किन अहमद, बांग्लादेश की बहुत ही बढ़िया बॉलर है तस्किन अहमद, विकेट टेकिंग नेचर की गेंदबाज है तो हम लोग इनको भी पिक कर रहे हैं। उसके बाद हरीश राव बहुत ही बढ़िया बॉलर है, लास्ट मैच में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया था तो इनको भी हम लोग ले रहे हैं। उसके बाद नईम शाह, एस इस्लाम और एच महमूद, तो यहाँ पे हम लोग के पास तीनों ऑप्शन है, आप बांग्लादेश पहले बॉलिंग करेगा तो एस इस्लाम और एच महमूद से किसी को भी पिक कर सकता है, लेकिन हम लोग फिलहाल के लिए एन शाह के साथ जा रहा है। फाइनल जो भी अपडेट होगा वो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। उसके बाद कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग कैप्टन बाबर आजम को बना रहा है और वाइस कैप्टन की बात करें तो साकिब अल हसन को बना रहा है, आप मेहदी हसन मिराज और साहेब खान को भी बना सकता है। थैंक यू दोस्तों वीडियो पे बने रहने के लिए, हमारे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।